आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने आज अपने उज्जैन स्थित कार्यालय पर जनसुनवाई कर आम नागरिकों की समस्या को सुना तथा मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों से तथात्मक जानकारी लेकर समय निस्तारण के निर्देश दिए। विधायक अवाना 2 घंटे तक लगातार आम नागरिकों के बीच कोरोना के बारे के प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए परिवादी के जैसे उपस्थित विभागों के अधिकारियों को मूलभूत आवश्यकताओं का समय पर निराकरण करने के लिए निर्देश दिए हैं। उनके नेगेटिव सैंपलिंग के लिए सैंपल था और आपका जो हाल ही में पिछले दिनों गया जो मार्च में बजट सत्र हुआ उसमें जो सौगात मुझे नदबई विधानसभा के लिए दी है उसी पे अभी मैंने 2-3 दिन पूर्व में यहाँ जमीन को तलाशा है, कौन सा कार्यालय किस जगह स्थापित होगा उसके लिए मैंने पूरी एक्सरसाइज की है कम्प्लीट अधिकारियों के साथ मिलकर। आज जनसुनवाई के दौरान सारे लोग आए हुए हैं, जो कुछ चीज़ें रह गई थी कुछ लोग यहाँ अपनी जमीन को भी दान देना चाहते हैं कार्यालयों के लिए और हम सब लोग इस पे लगे हुए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस उम्मीद और आशा के साथ इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे चुना निश्चित तौर पे मैं उनके लिए पूरा समर्पित भाव से उनके लिए कार्य करूंगा, उनके लिए जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनको समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैंने ये तय किया है, मैं जब चुनाव लड़ा था उस वक्त भी मैंने कहा था जब मैं क्षेत्र में जाता था वोट मांगने के लिए जाता था कि नदबई का विकास अब नोएडा की तर्ज पर होगा और इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है, चाहे वो उज्जैन में डिग्री कॉलेज दिया हो, चाहे उज्जैन में पंचायत समिति दी हो, चाहे उज्जैन में मुझे नगर पालिका दी हो, चाहे ट्रॉमा सेंटर दिया हो, चाहे CHC दी हो, इसी तरह जो हमारी तहसील है नदबई उसमें मुझे चाहे रिको इंडस्ट्रियल एरिया दिया हो, चाहे ITI दी हो, चाहे भगवान देवनाथ छात्रावास दिया हो, चाहे और स्टेडियम दिया हो और तमाम तरह की सौगातें दी हों, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने क्षेत्र के हितों के लिए लोगों से बातचीत करके जो भी चीज़ मेरे संज्ञान में क्षेत्र के लोगों ने लाई तो उसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगा। उन्होंने तत्काल मुझे दोनों बजट जो सत्र थे पिछले जब से मैं विधायक बनाऊँ उन्होंने मुझे दी। मैं हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और क्षेत्र के लोगों को